बर्गर, यह तो बहुत बढ़िया होगा, पर क्या यह हम सैंडविच के बारे में कह सकते हैं? नहीं ना, पर अफसोस है कि हमारे गैंग के पास कोई विकल्प नहीं होगा। आखिर यह एक चुनौती है। हॉट डॉग का एक पूरा पहाड़, बहुत बढ़िया। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये सब खा सकता हूँ। लड़कियों, मेरा सुझाव है कि क्यों ना एक प्रतियोगिता किया जाए। मुझे यकीन है कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये मेरे से बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहा है, मेरे से भी नहीं। जीत मेरी हुई, इस बात को मान लो। खाना कहाँ है? पता नहीं, पर यहाँ एक लाल बटन है, चलो इसे दबाते हैं। वाह, कोका कोला। सावधान रहो वरना तुम्हारे नाखून टूट जाएंगे। और इससे काफी दर्द होता है, पर मुझे इसे खोलना होगा। मैं तो पूरी तरह से भीग गई। पर अरे, कोका कोला की बारिश से काफी ताजा महसूस हो रहा है। अब इसे दबाने की बारी मेरी है। वाह, एक साथ इतनी सारी बोतलें। इसका मतलब है कि इसके लिए मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की जरूरत होगी, जिससे कि मैं एक बार में उन सभी बोतलों से पी सकूं। यह अच्छे से काम किया, सारी बोतलें खाली। अब तुम्हारी बारी जैका। मैं दबा रहा हूँ। कोला के डब्बों का टावर। हाँ, यहाँ कम से कम 100 होंगे। मुझे लगता है कि इसे इस तरह से पीना बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बस कुछ और सामान को जोड़ता हूँ और मैं शुरू कर सकता हूँ। तुम कुछ भूल गए जैकब, लेकिन चिंता मत करो, मैं यह काम कर दूंगी। अरे नहीं, विस्फोट। मुझे लगता है यह शानदार निकला। सिर्फ एक छोटा सा पिज्जा, यह तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खाना ही होगा। तो इसे मैं काटती हूँ और इसे बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, ताकि हर एक बाइट का मजा ले पाऊँ। और इसका स्वाद तो वास्तव में लाजवाब है। मुझे यह बहुत पसंद है। तुमने तो मेरी भूख को जगा दिया है। मैं इसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हूँ। वाह, यह तो भयानक था। यही एकमात्र तरीका था इन सबको एक साथ काटने का। आप देखो कि एक पेशेवर कैसे काम करता है। मुझे पहले अपनी सुरक्षा गॉगल्स और हैट की जरूरत होगी। और यह रहा मेरा प्यारा चेनसॉ। डर लग रहा है, टुकड़े हर जगह उड़ रहे हैं। बस हो गया, तुम लोग बिना मतलब का चिंता कर रहे थे। और अब अंत में मैं इस पाक कला का आनंद ले सकती हूँ। और फिर हमें यह सब साफ भी करना होगा। मैंने जादू की छड़ी पकड़ी। तुम मुझे इसे ज्यादा दे सकती थी। ओके। वाओ। माफ करना, लेकिन बड़ा हिस्सा एक बार फिर मेरा है। लगता है जो हमारे पास है उसे ही हमें संतुष्ट करना होगा। डोनट बहुत स्वादिष्ट है, पर स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। खैर, मुझे जो मिला है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तुम क्या कर रही हो लिली? यह तय करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। यह दिलचस्प है। मेरी उंगली, सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा सुझाव है कि हम बुरे विषयों को भूलने की कोशिश करें और डोनट्स खाएं। मुझे भी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, मैं इसे जगलिंग करने की कोशिश करती हूँ। बंद करो, तुम्हें वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मैं हमेशा से यह सीखना चाहती थी। मुझे लग रहा है कि यह तुम्हारे वश का नहीं है। कितने अफसोस की बात है, मुझे बस यही खाना होगा जो बचा हुआ है। इतना छोटा सा पॉपकॉर्न का कटोरी, मुझे पता था कि मुझे कुछ छोटा ही मिलेगा। मुझे आशा है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा मिले।
और मुझे मिला है। अब सारे शिष्टाचार को भूल जाओ, यह समय उसका नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, शायद एक सपना है। मुझे लगता है अब समय है उसे सपनों की दुनिया से बाहर लाने का। लीली, कम से कम इसे खोलो तो। वाओ। ओ हाँ, धन्यवाद। पर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह उचित नहीं है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? एक भूकंप है। मैं कहाँ हूँ? यह कहाँ से आया? ओके। ओ यार, ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना सच में सच हो रहा है। यह आश्चर्यजनक है। यहाँ बहुत सारे पॉपकॉर्न है। मैं तो सच में इस सामान में तैर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज, कमाल का। मुझे केवल एक मिला है, यह तो बेकार है, लेकिन किसी के पास सैकड़ों है। ओह, यह सबसे अच्छी चीज है। वैसे मुझे लगता है कि हमें इसे खाना शुरू कर देना चाहिए, इससे पहले कि हमारे जीभ से पानी टपकना शुरू हो जाए। गर्म और ताजा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मुझे पसंद है। सॉस के बारे में क्या ख्याल है? फ्रेंच फ्राइज केचप के साथ अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, तुम सही कह रही हो, मैं यह लूंगा। वास्तव में मैंने इसे अपने लिए लिया है। तुम मांग सकते थे। कितना अच्छा। मैं तुम्हारी सलाह का पालन करूंगी लीली, और सॉस डालूंगी। अब खाने का समय। तुम लोगों का मेरे दांत के बारे में क्या ख्याल है? फिर से छोटा सा हिस्सा। आज मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और भाग्य स्पष्ट रूप से मेरे साथ है, और मेरे भी। जरा इन सबको देखो। अब ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कैंडी है। और हम सबके पास कुछ न कुछ है। मैं अपना वाला सबसे पहले खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सबसे कम है। अरे ध्यान से जैकब, माफ करना, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? मैं तो पूरा चॉकलेट अपने मुंह में एक बार में डाल सकता हूँ। देखो, वाओ। अब मेरी बारी। जैकब, क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं कि कैसे किया जाता है। देखो और सीखो, और छूने की हिम्मत नहीं करना। मैं ये कैसे करूंगी? पहले सारे खोलती हूँ। किसी हाल में नहीं, मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें देखना ही पड़ेगा, मैं कुछ बहुत ही विशेष बनाने वाली हूँ। ऐसी चीज जैसा पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। गर्मी लाओ। यार सच में गर्मी हो रही है। बस थोड़ा सा और, हो गया। यह तो सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट होने वाला है जो आज तक मैंने पिया हो। अविश्वसनीय होने जा रहा है। एक कुकी, इतना थोड़ा? सच में यह ठीक नहीं है। यह कितना गलत है, तुम्हें तो ओरियोस का पूरा पहाड़ मिला है। अब अपनी भूखी आंखों से मेरे ओरियो को घूरना बंद करो। ठीक है, मैं अपने वाले को देखती हूँ। इसका स्वाद कितना बढ़िया है। मैं तो साथ में आसमान पर चली जाऊंगी। माफ करना, मैं एक और कुकी लूंगी। अरे मैं इसके लिए कभी राजी नहीं था। यह क्रीमी फ्रॉस्टिंग हमेशा से मेरा पसंदीदा हिस्सा रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं इन सबको एक जगह जमा कर लूं? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और अब मैं इन सबसे एक मीठा टावर बनाऊंगा। यह काफी नहीं है, मुझे थोड़ा और अधिक परत लगाने की जरूरत है। Ha ha ha!
से बहुत अधिक है पर फिर भी बहुत ऊंचा नहीं है। 100, मिशन पूरा हुआ। और ये यार, मुझे भी वैसी ओरियो चाहिए। इसके तो तुम सपने ही देखो, ये पूरा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे क्या थोड़ा भी नहीं दे सकते? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए जैकब, पर मैं अभी भी ले सकती हूँ। स्वादिष्ट। वो लगता है तुम्हें काफी तीखा खाना मिला है। यह पक्का है। मैं इतने सारे मिर्च कभी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, खाना ही पड़ेगा। यार यह अच्छा है कि मुझे ज्यादा नूडल्स मिले हैं और सिर्फ एक मिर्च। पर फिर भी यह आग लगाने के लिए काफी है। नूडल्स मुझे बचाओ। तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ? हंसना बंद करो और अपना खाना देखो। चलो अब खाना शुरू करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। खैर शुक्रिया सूजी, मुझे शुभकामनाएं दो। ऐसा लगता है कुछ भयानक होने वाला है। आग! सूजी मेरी मदद करो। धन्यवाद, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। अरे कोई बात नहीं। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभावशाली, पर बच्चे में मिर्च का क्या? वाह प्रिंगल्स, मेरा पसंदीदा। मेरा भी। अजीब बात है, यह खाली है। इसके पेंदी में एक छेद है। ओह, खुशी की बात है कि तुम्हें अपना हिस्सा मिल गया और आशा है कि मुझे भी मिल जाएगा। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाल बटन। तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं एक बिल्कुल नहीं लालची लड़की। लगता है मुझे इस बटन को दबाना होगा। कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है यह टूटा हुआ है। तुमने क्या किया जैकब? ये तो प्रिंगल का तूफान आ गया। मैं गिर रहा हूँ। ओह मैन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। अच्छी बात है कि वो रुक गया। ओह मैन, इस ब्रोकली के अलावा कुछ भी मिल जाता, यह बहुत बेकार है। यह तो अविश्वसनीय है, लग रहा है 100 ब्रोकली के टुकड़े हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम इतना सारा कैसे खा पाओगी, यह असंभव है। तुम्हें किसी भी तरह यह करना ही होगा। मेरा छोटा सा पौधा तुम्हारे जंगल के सामने बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि इसे आसान कैसे बना सकते हैं। हेलो चेनसॉ, अब मैं इस जंगल को काट दूंगी। सावधान यार। माफ करना, मैं इस काम में खो गई थी। ठीक है, अब कम से कम यह मुंह में फिट आने लायक छोटे टुकड़ों में कट गया है, और यह बड़ा सा स्ट्रॉ मुझे इसे जल्दी खाने में मदद करेगा। थोड़ा ही बचा है। वाह, तुम तो मानव वैक्यूम क्लीनर हो। लग रहा है ब्रोकली अटक गई है। माफ करना, बस यह गलती से।
मुझे क्यों हमेशा स्वादिष्ट चीज कम मिलता है? क्योंकि आज किस्मत मेरे पर मेहरबान है। हमेशा की तरह मुझे जो मिला है उसको अच्छा बनाने की जरूरत है। शुक्र है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। देखो मैंने कितना बड़ा बबल फुलाया है। यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि यह कैसे किया जाता है। इतना सारा गम, बहुत बढ़िया। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में सारा अपने मुंह में डालने के लिए तैयार हूँ। यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे शिष्टाचार चुनौतियों के लिए नहीं होते हैं। अब समय है एक विशाल बबल्स को फुलाने का, तैयार हो जाओ। वाह, मैं इसे माप कर देखती हूँ। मेरा संतुलन बिगड़ गया। सोजी, तुमने मेरा बबल फोड़ दिया, हालांकि यह मजेदार निकला। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतने सारे डोनट्स हैं। ये तुम्हें भी दिख रहा है, मैंने सोचा ये एक सपना था। खैर, मेरे लिए एक बुरा सपना की तरह है, मुझे बस एक डोनट मिला है। पर अगर मैं इस पर कुछ व्हिप्ड क्रीम मिला दूं तो यह बेहतर हो जाएगा, और अगर इस पर चॉकलेट सॉस भी डाल दूं तो यह सोने पे सुहागा होगा। जब तक कि तुम इसके टॉपिंग्स पर काम कर रहे हो, मैं क्यों ना कुछ मस्टर्ड सॉस डाल दूं। मैं तैयार हूं अपनी इस पाक कलाकृति को चखने के लिए। यह तीखा क्यों है? इसका स्वाद, मुझे तुरंत अपना मुंह किसी चीज से साफ करना होगा। मैं देख रही हूँ कि अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, इसका मतलब अब मैं शुरू कर सकती हूँ। ओह, यह तो लाजवाब है। उफ, मैंने बहुत सारे खा लिए और ये अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब मैं इनका उपयोग अलग काम के लिए करूँगी। मैं हमेशा से जगलिंग सीखना चाहती थी। तुमने क्या कहा सूजी? माफ करना, मैं अच्छे से सुन नहीं सकता। ओह जैकब, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। चॉकलेट, मैं इसका इंतजार शुरू से ही कर रही थी। ओह, और यह कुकीज से भरा हुआ है, स्वादिष्ट। यह बहुत हुआ, अब जरा एक नजर इधर देखो। क्या तुमने इससे पहले कभी 100 चॉकलेट एक साथ देखी है? मुझे पता है मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैं अभी दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट सॉस बनाने वाला हूँ। बस एक मिनट के लिए चालू करता हूँ। हो गया। वो सांप, जैकब इसे हटाओ यहाँ से। शांत हो जाओ सूजी, वो असली नहीं, प्लास्टिक का है। कितने दुख की बात है, तुम्हें मेरा मजाक पसंद नहीं आया। लेकिन चलो, असफलता पर ध्यान ना देकर अच्छी चीज की ओर ध्यान देते हैं। यह कितना सारा चॉकलेट है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हें पता नहीं कि कितना स्वादिष्ट है, इससे तुम्हारी मूंछ बन गई है और मुझे यह पसंद है। आपको हमारा यह स्वादिष्ट और बहुस्तरीय वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इसे बंद करने के लिए हड़बड़ी ना करें, पहले इन ब्लूपर्स को देखें। हम गारंटी देते हैं कि इससे आपके चेहरे पर और मुस्कान आएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों।